नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुब्रत आर्य है। मैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ दिल्ली NCR में। आज मैं आपको बताऊंगा रूमेटोलॉजी क्या है। रूमेटोलॉजी मेडिसिन की वो सब स्पेशलिटी है जो प्रमुखतः तीन चीजों से डील करती है। पहला आर्थराइटिस, दूसरा सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म और तीसरा ऑटो इम्यून बीमारियां। अब इन्हें जरा विस्तार में मैं आपको बताता हूँ। आर्थराइटिस को हिंदी में गठिया भी कहते हैं। आम धारणा के विपरीत आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं और किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं। दूसरा है सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म, यानी कि जोड़ों के अलावा शरीर में बाकी जगह दर्द, सूजन या जकड़न होना, जैसे कि कमर का दर्द होना, टेनिस एल्बो होना, या फिर अगर किसी को पूरे शरीर में हर समय दर्द जैसा महसूस होता है वो बीमारी, जैसे कि फाइब्रोमायल्जिया। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑटो इम्यून डिसीजेस, यानी कि ऑटो इम्यून बीमारियां। ऑटो इम्यून बीमारियां वो बीमारियां हैं जिनमें हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ही शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं को डैमेज करने लगता है। ऑटो इम्यून बीमारियां शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती हैं, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो आपके नाखून हो, चाहे आपकी किडनी हो, जॉइंट हो, या अंदरूनी इम्पॉर्टेंट अंग जैसे कि लंग्स और हार्ट। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे कि लूपस या SLE, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियासिस और सोरियाटिक आर्थराइटिस। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इन बीमारियों के बारे में इनका नाम सुना हो। तो ये तो हुआ कि रूमेटोलॉजी क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ रूमेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं। रूमेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर हैं जिन्होंने मेडिसिन में ट्रेनिंग करने के बाद रूमेटोलॉजी में स्पेशल ट्रेनिंग की है, यानी कि MBBS के बाद मेडिसिन में MD या DNB, और उसके बाद रूमेटोलॉजी में या तो वो DM है, DNB है या फेलोशिप। तो रूमेटोलॉजिस्ट एक फिजिशियन है, ना कि सर्जन, जो रूमेटोलॉजिकल बीमारियों के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में एक्सपर्ट है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि रूमेटोलॉजी एक नई ब्रांच है, इसके बारे में कई लोगों में जागरूकता नहीं है, और इस जागरूकता के अभाव में उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी प्रॉब्लम के लिए उन्हें किसे दिखाना है। आर्थराइटिस, गठिया और ऑटोइम्यून बीमारियां और सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म, ये तीनों के लिए ही रूमेटोलॉजी एक एक्सपर्ट फील्ड है, और सही समय पर अगर ये पेशेंट रूमेटोलॉजी के एक्सपर्ट के पास पहुंच जाए तो बीमारी को काफी अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है और इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन और बीमारी की वजह से शरीर और जॉइंट्स में डैमेज को बचाया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको रूमेटोलॉजी फील्ड और रूमेटोलॉजिस्ट के बारे में कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगती है तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।